उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद उत्तर प्रदेश का भविष्य तय हो जाएगा कि किसके हाथ सत्ता की कुर्सी लगेगी। वहीं एग्जिट पोल को लेकर क्या रही राष्ट्रीय लोकदल के युवा जिलाध्यक्ष अशोक त्यागी और कांग्रेस कमेटी के युवा उपाध्यक्ष सचिन की राय आप भी सुनिए। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ में और इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष उमेश राणा। जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उससे जुड़े कुछ सवाल हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, जैसे एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, क्या कहना है इसको लेकर? जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं ये वो नतीजे हैं जो जनता चाहती थी, और 5 साल के शासन के बाद जनता ने जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी में जिताया है उसी के अनुरूप ये हमारे एग्जिट पोल आए हैं। यदि जनपद की तीनों सीट की बात करें तो कहाँ तक आपको लगता है कि एग्जिट पोल सही साबित होगा? एग्जिट पोल 100% साबित होगा, ठीक रहेगा, और जनपद की तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी अच्छे मार्जिन से जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। यदि विपक्ष की हम बात करें तो विपक्ष लगातार जो एग्जिट पोल को नकार रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? अभी नकार रहा है और जब बुरी तरह हारेगा 10 तारीख को उसके बाद EVM पर भी दोषारोपण ये विपक्ष करेगा। तो जो हमारे जनपद की जनता है उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? जनपद की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है और भारतीय जनता पार्टी ने जब जब जनता का सहयोग लिया है, जनता ने भाजपा पर विश्वास जताया है, भाजपा ने जनता के भरोसे को पूरा किया है और उसकी अपेक्षा के अनुरूप ही काम किए हैं, इस बार भी ऐसे ही करेंगे। तो ये थे भाजपा के जिलाध्यक्ष उमेश राणा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता के अनुरूप ही भाजपा ने कार्य किया है। तुषार शर्मा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।